हेलो एवरीबडी वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स आई एम अदीहा खान योर फ्रेंड हु इज हुयर टू हेल्प यू विद योर इंग्लिश लैंग्वेज तो हमारा चैप्टर चल रहा था मिजबिल दी ऑटर जिसमें हमने स्टोरी कहाँ तक पढ़ ली थी कि भाई एक हमारे जो ऑथर हैं, उनके डॉग डे, की डेथ हो जाती है ऑटर्स तो, मतलब तो वो सोचते हैं कि मैं एक ऑटर ही रख लेता हूँ और उनकी ये विश पूरी भी हो जाती है कि उनके पास एक पैट आ भी जाता है एज एज एन ऑटर है ना तो आप वो बताते हैं कि भाई स्टार्टिंग में जो है वो थोड़ा सा मुझसे Uh, मतलब जैसे नहीं आता था मेरे पास फिर धीरे धीरे वो आने लगा फिर मेरे साथ uh, क्या हुआ वो मेरा फ्रेंड बन गया और मेरे साथ अब वो अच्छे से रहता है मैं बुलाता हूँ तो आ भी जाता है उसकी कुछ खूबियाँ बताते हैं कि उसको पानी में खेलना बहुत पसंद है उसको जगलिंग करना बहुत पसंद है और वो काफी अच्छी जगलिंग करता है तो हमने यहाँ तक की स्टोरी पढ़ी थी अब आगे स्टोरी में क्या होता है वो हम जानेंगे आज की क्लास में तो विदाउट फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड द डेज पास्ट पीसफुली एट बासरा ठीक है आप जो है शांतिपूर्वक दिन निकल रहे थे अच्छे से निकल रहे थे आई ड्रेड बट आई ड्रेडिट द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिच टू इंग्लैंड लेकिन मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा डर लग रहा था कि मैं मिच को जो है इंग्लैंड कैसे लेके जाऊंगा अपने साथ एंड टू ना और फिर ना द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंडन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स अब जो ब्रिटिश एयरलाइन थी वो एनिमल्स को ले जाने को अलाउ नहीं करती थी कि आप एनिमल्स नहीं ले जा सकते अपने साथ एरोप्लेन में सो आई बुक द फ्लाइट टू पेरिस और अन एयरलाइन तो मैंने जो है क्या किया दूसरे एयरलाइन से पेरिस की फ्लाइट बुक की एंड फ्रॉम देयर टू लंडन मतलब दो फ्लाइट बुक करनी पड़ी मुझे पहले तो पेरिस तक और फिर वहां से लंडन तक

ठीक है लेकिन मैंने जब देखा वहां से थोड़ा बहुत तो आसपास जो है ब्लड निकल रहा था और मतलब थोड़ा सा ब्लड था जो सूख भी चुका था देर में आई विप टू ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड अब जैसे ही मैंने जो है डब्बे को पूरा जो है ऊपर से खींच कर फाड़ दिया ठीक है मैंने क्या देखा अंदर मेज एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पार्टेड ब्लड ठीक है मिर्च जो है वो पूरा थक मतलब ऐसा होता है ना कि भाई आपने खूब उसमें से जैसे मिज ने आने की कोशिश की होगी बॉक्स में से बाहर निकलने की, की कोशिश की होगी जिसकी वजह से उसने क्या किया कार्डबोर्ड थोड़ा बहुत ऐसे उसने मतलब फोड़ दिया या काट दिया कि उसमें नोके निकलने लगी जो मिर्च को खुद को ही चुप गई जिसकी वजह से मिर्च काफी थकावा भी था और हर जगह जो है मिर्च का ब्लड भी था

डिस्टेंट ठीक है और सिर्फ दस मिनट रह गए थे मेरी फ्लाइट को टेक ऑफ होने में और एयरपोर्ट अभी भी कितना पांच मील यहाँ से दूरी पर था आई पुट मिजरेबल मिच बैग इन टू द बॉक्स होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड अब मैंने जल्दी जल्दी बेचारे मिच को वापस उसी बॉक्स में रखा और जल्दी से मैं भागा आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद बॉक्स बिसाइड मी अब मैंने जो है जल्दी से मैं कार कार में जाके बैठा मैंने बॉक्स रखा अपने पास ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बासरा लाइक अ बुलेट है ना रिकोशेटिंग बुलेट क्या होता है कि भाई एकदम जो है बुलेट चली और जिस स्पीड से वो चलती है किसी सरफेस से वो सडन टकरा कर दूसरी डायरेक्शन में जाए मतलब एक स्पीड जो होती है उसी स्पीड के साथ जो है ड्राइवर ने बेचारे ने मेरी हेल्प की और इतनी तेजी से उसने गाड़ी चलाई द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ वहाँ पर एरोप्लेन जो है वो वेट कर रहा था उड़ने के लिए आई वॉज रश थ्रू टू इट बाई इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशल्स ठीक है अब जो है मैं वहाँ से जैसे तैसे होकर जल्दी से पहुँचा और वहाँ पर जो है जो ऑफिशल्स थे वो भी गुस्से में थे क्योंकि मैं लेट हो चुका था लकीली द सीट बुकड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट और भाग्य से जो सीट मेरे लिए बुक हुई हुई थी वो स्टार्टिंग में ही थी सामने ही थी आई कवर द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़ पेपर्स अब मैंने आगे की जो जगह थी जमीन एयरक्राफ्ट का जो आगे वाला हिस्सा था सीट के नीचे वाला वो मैंने पहले न्यूज़पेपर से कवर किया रैंक फॉर द एयर होस्टेस हेस्टोस को बुलाया एयर होस्टेस को गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश फॉर मिच टू कीप इट इन अ कूल प्लेस और उन्हें एक जो है पार्सल पकड़ाया किस जिसमें क्या थी मछलियाँ थी मिच के लिए कि इसको जो है ठंडी जगह पे या फ्रिज में रख दो आई टूक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर उनको मैंने सारी चीज़ें बताई कि भाई पिछले आधे घंटे में क्या क्या हुआ मिच के साथ क्या हुआ सब बताया आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस ठीक है और उस

कहा पर एक सरदार जी बैठे थे उनके पास थे नीचे से। अब मैंने जैसे ही मिच को पकड़ना चाहा, मैंने जोर से ऐसे मतलब ना एकदम पकड़ने के लिए कुछ आओ ना देखा ना ताओ देखा और सीधा बस जैसे ही मैंने डाइव मारी तो मिर्च तो निकल गया मेरे हाथों से और मेरा जो पूरा फेस है वो करी में भर गया था पर said the air hostess with the most charming smile it would be better if you resumed your resumed your seat and i will find the animal and bring it to you theek hai aap jo hai lekin shayad air hostess ने जो है मुझे आ, एक बहुत अच्छी smile के साथ बोला कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी कि आप seat पर बैठ जाओ और जो भी आपका animal है उसे मैं ढूंढती हूँ और आपके पास लेकर आती हूं आई रिटर्न टू माई सीट आई वॉज क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो दी हंट ठीक है आप जो है मैं अपनी सीट पर जा बैठा लेकिन मैं पूरी गर्दन जो है अपनी हर जगह घुमा रहा था मिच को ढूंढने के लिए वैन सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट वैसे ही मुझे जो है एक आवाज़ सुनाई आई अपने पैरों के पास अ डिस्ट्रेस चिट्टर ऑफ रिकोगशन एक मतलब हल्की सी चेंचे की आवाज़ आई मुझे जो मैं पहचानता था एंड वेलकम एंड मिच बाउंडेड ऑन टू माई नी एंड बिगन टू नजल माई फेस एंड माई नेक और मै जो है वो मेरे नी के ऊपर चढ़कर आ गया और जो है मेरे फेस और नाक को टच करने लगा सूंघने लगा आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड इज वॉटर रीच लंडन वेयर ही अ फ्लैट ठीक है आप इस पूरे सफ़र के बाद मैक्सवेल और उनका जो ऑटर था मिर्च वो लंदन पहुंचे जहां पर उनका एक फ्लैट था मैं आई रिमेन इन लंडन फॉर नियरली अ मंथ हम लंदन में जो है एक महीना रहे एटलीस्ट ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज़ और वो जो है घंटों तक टॉयज़ के साथ खेलता रहता था पिंक पोंग बॉल्स के साथ मार्बल्स के साथ रबर फ्रूट के साथ और एक टैरापिन शेल था दट आई अ ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेस एक टैरापिन शेल था जो मैं उसके जहाँ से मैं मिज को लाया हूँ जिस दलदली इलाके से वहाँ से

ठीक है एक मतलब अब वो गेम के बारे में बता रहा है कि भाई एक सूटकेस था मेरा जो मैं कहाँ जो मैं इराक लेकर गया था तो वहां पर किसी वजह से वो डैमेज हो गया था सो दैट द लिड वेन क्लोज रिमेन्ड एट अलोप फ्रॉम वन एंड टू दर मतलब जब भी उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना जो बंद करते हैं कवर वो अगर पूरा बंद भी कर दो ना तो, तो भी ढलान मतलब सी बनती थी इतना डैमेज हो गया था वो कि इस तरीके से डैमेज हुआ था कि मतलब उसको बंद भी करो ना तो एक साइड ऊंची एक साइड नीचे के ऐसे ढलान सी बन जाती थी उस सूटकेस में मिश डिस्कवर दैट इफ यू प्लेस द बॉल ऑन दी हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ दूटकेस अब मिश ने ये चीज पता लगा ली थी कि भाई अगर वो जो है जो ऊपर वाली साइड है उस लिट की सूटकेस की के, अगर वहां पे बॉल रखेगा तो वो लौटती हुई नीचे जो डाउन वाली साइड है वहां पर आ जाएगी

है ना तो वो क्या करता था यहाँ से बॉल डालता था जितने में बॉल आएगी उससे पहले वो यहाँ खुद पहुँच कर छुप जाता था और जैसे ही बॉल यहाँ आती थी वो सडन उस पर छलांग मार के उसको सरप्राइज एकदम करके और अपने पास वापस पकड़ लेता था Outside the house, I exercised him on a lead, precisely as if he had been a dog. अब जब भी उसे मैं घर के बाहर लेके जाता था तो मैं एक जो भी मतलब बेल्ट या पट्टा होता उसके साथ लेके जाता था समझ लो कि ऐसा उसको मैंने ट्री एक्सरसाइज कराता था जैसे कि वो डॉग मतलब से एक डॉग को कैसे लेके घूमते हैं पट्टा बांध के वैसे ही मैं मिच को बाहर लेकर घूमता था मिच क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंडन स्ट्रीट्स अब मिच ने कुछ जो है सर्टेन हैबिट्स डेवलप कर ली थी वहाँ पे लंदन के रास्तों पर लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक जैसे कि एक हैबिट उसने क्या देखी थी कि जो तो बच्चे हैं वो जब भी स्कूल से घर और घर से स्कूल जाते थे तो वो क्या करते थे कि स्ट्रीट पर जितने भी ब्लॉक्स होते थे ना मतलब ऐसा होता है कि ऐसे स्क्वायर स्क्वायर बने होते थे उनमें वो कि भाई हाँ एक में सब में ऐसे ऐसे पैर रखना है हमने भी किया है ना बचपन में हमने भी किया है कि भाई ऐसे ना स्क्वायर्स बने होते हैं और हम उनमें ही पैर रख रख कर जाते थे कि एक एक स्क्वायर में जो है अपना पैर रखना है तो मुझे ने यह हैबिट जो है वो एक चीज़ डेवलप कर ली थी अपने अंदर है ना और म, क्या था कि मस्ट टच एवरी सेवेंथ अपराइट ऑफ द आयन रेलिंग और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट और क्या हैबिट थी बच्चों की कि भाई ना हर जो भी आएगी उसको उसको करना करना है है और हर जो जो भी भी आएगा तो वही सारी habits जो है, ने भी start कर दी थी करना फ्लैट के सामने ही एक सिंगल स्टोरी मतलब एक मतलब सिंगल स्टोरी uh, कहते हैं ना एक ही मंजिला है ना प्राइमरी स्कूल था अलॉन्ग फ्रंटेज अ लो वॉल समू फीट है और उसके सामने जो एक वॉल थी जो कितनी बस टू फीट हाई थी छोटी सी वॉल थी ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट मिज वो टग मी टू दिस वॉल जम्प ऑन इट और जब भी वो घर जाता था है ना जब भी वो घर जाता था बाहर से घर जाता था कभी भी ये नहीं घर से बाहर जाते टाइम जब भी वो बाहर से घर जाता था तब क्या करता था वो मुझे उस वॉल के पास लगा देता था ऑन टू इट एंड जम्पन द फुल लेंथ ऑफ इट्स यार्ड्स टू द दॉपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पीपल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन मतलब वो वहां से क्या करता था इतनी जोर से ऊपर जंप लगाता था कि उसे पूरा यार्ड वहाँ के लोग वहाँ का स्टाफ सब दिखते थे इट इज नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लर्नर शुड नॉट रिकोगनाइज एन ऑटर ठीक है अब ये जो है ना मतलब मुझे स्ट्रेंज भी नहीं लगा समझ भी नहीं आया कि भाई ना लंडन में जो लोग हैं वो ऑटर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे पहचान नहीं पाते थे बट द वेराइटी ऑफ गैसेज एज टू काइंड ऑफ एनिमल दिस माइड भी केम एज अ सरप्राइज टू मी लेकिन जो भी लोगों के मतलब गैसेज होते थे ना कि भाई क्या क्या जानवर है ये क्या नहीं है वो हमेशा मुझे सरप्राइज कर देते थे, थे मुझे हंसी भी आती थी और मैं चौक भी जाता था कि लोग ऑटर को क्या क्या समझ रहे हैं ऑटर्स बिलोंग टू अ अम्पेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मसल अब ऑटर का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है मिसिलेंस शेयर्ड बाय द बैजर मॉंगूस वीज़ल स्टाउट मिंक एंड अदर्स अब देखो ऑटर जिस ग्रुप में आते हैं ना उसी ग्रुप में बैजर्स मॉंगूस वीज़ल्स मिंक के सारे जानवर भी आते हैं ठीक अब इसके आगे कि भाई क्या कोई सही गैस लगा पाता ऑर्डर के बारे में या स्टोरी वही फिनिश हो जाती है वो हम जानेंगे और उसी के साथ हम वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कर लेंगे ठीक है तो अभी तक ये स्टोरी आई गैस बहुत इंटरेस्टिंग थी पहली बात तो ये है कि बहुत मतलब स्ट्रेंज है ना ये चीज मतलब इतनी कॉमन नहीं है कि आप कोई ऑटर पाल रहे हो ना ऑटर ऑबली उनको भाई पूरा एक वो चाहिए कि उनका एरिया जो है वो वाटर से सराउंडेड होना चाहिए तो आई डोंट नो ये कैसे ऑटर पाला था इन्होंने ठीक है तो यहाँ पे काफ़ी इसीलिए भी क्योंकि ये रेयर चीज ऑटर पालना इसलिए भी जो लंडनर्स थे उन्हें नहीं पता था कि ऑटर क्या होते हैं तो वो अलग अलग गैसेस करते थे अब आगे स्टोरी में हम देखेंगे कि और क्या क्या गैसेस करते हैं वो वो हम तब पता लगाएंगे तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।